यो व्हाट्स अप ओजीज एंड व्हाट इज अप ऑल द बादशाह फैंस। सो भाई बादशाह भाई की अपकमिंग एल्बम जो कि 18 तारीख को रिलीज होने जा रही है, एक था राजा, उस एल्बम का ट्रेलर आ गया। भाई मेरे को समझ नहीं आ रही ये कोई एल्बम है या कोई मूवी है जो ट्रेलर डाला जा रहा है। सो लेट्स गो, बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं क्या है ये ट्रेलर। लेट्स गो। ओ अक्सर तूफान से पहले की शांति ये बता देती है भाई साहब आने वाला है। शाहरुख खान से डब करवाया है या कोई डायलॉग सैंपल किया है? क्या बात है भाई यार, क्या बात है। आवाज तो शाहरुख सर की है लेकिन कई तूफान बताकर नहीं आते। Все в порядке? Что происходит? Нет, он здесь. Hi, Sal. Goosebumps. भाई बादशाह भाई ने गलती से किसी मूवी का ट्रेलर तो नहीं अपलोड कर दिया अपने चैनल पर? क्या ये? बैड बॉय। ताकत आसमान में नहीं जमीन पर होती है और ये ताकत उसी को मिलती है लेवल चेक कर रहे हो उसे उठाना जानता है। भाई साहब मतलब एनिमल मूवी देखी थी उसमें भी इतने तगड़े फ्रेम मैंने देखे नहीं जितने तगड़े भाई ने ट्रेलर में दिखा दिए हैं। भाई खतरनाक भाई, देख रहे हो प्राइवेट जेट आ रहा है भाई, एकदम रणविजय से खतरनाक एंट्री ले रहा है अपना भाई। क्या बात है यार, ये लेवल है बंदे का। म्यूजिक सीन को यहाँ पे रख दिया बंदे ने। बस आप यहां से अंदाजा लगा सकते हो कि एल्बम कितनी खतरनाक होने वाली है भाई, यहां से अंदाजा लगा सकते हो। गैंगस्टर शिट। एक राजा एक आईने की तरह होता है, अच्छों के लिए अच्छा, बुरों के लिए बुरा। कुछ लोगों के लिए ताज प्यारा है, कुछ लोगों के लिए तख्त। शीश। कुछ लोग ऐसे जीते हैं जैसे वो राजा हो। वैसे ग्लेन वॉक की प्रमोशन की जा रही है भाई। दिस इज बैड बॉय, दिस इज बैड बॉय। एंड बंदे ने प्रूव करता कि बंदा केंगे है वाकई। एक था राजा, एक है राजा। ऐसे जीते हैं जैसे उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि राजा कौन है। कुछ लोग ऐसे जीते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता। के पास होगी ये ताज, कल किसी और के पास होगा। सो ट्रू। लेकिन बात सिर्फ हमारी होगी। भाई साहब एम्सिस्टेंट डिवाइन रफ्तार कृष्णा रागा। भाई साहब माय बॉय अरिजीत सिंह। भाई साहब अरिजीत सिंह भी फीचर्ड है एल्बम में। भाई बादशाह ये क्या कर दिया भाई,
एक से एक खतरनाक बंदे फीचर कर दिए भाई एल्बम में, एक से एक खतरनाक। क्या ट्रेलर बनाया भाई एनिमल का, ट्रेलर एक तरफ और भाई ये मतलब उससे भी तगड़ी चीज़ बना दी है। मेरे को लगता है जो डायरेक्टर थे उस मूवी के, क्या नाम था उनका, नाम भूल गया, संदीप रेड्डी वांगा, इसको देख के सीखेंगे भाई ट्रेलर कैसे बनाते हैं। शाउट आउट टू बी टुगेदर फ्रोस भाई, उन्होंने बनाया ट्रेलर बी टुगेदर, बंदे वो भी खतरनाक ही है। भाई लेवल दिखाया एल्बम में, बाकी यार डाकू बना टीजर सीगा, ट्रेलर है। स्पेशल थैंक्स टू ओरिजिनली बादशाह शाहरुख खान। भाई क्या कर दिया इस बंदे ने, मेरे को समझ नहीं आ रही। ऑनेस्टली आप सोच रहे होगे कि क्या कुछ बोल रहा है, बट भाई एल्बम के ट्रेलर बना दिया और शाहरुख खान से डब करवाया भाई। एंड बंदे ने क्या स्टोरी टेलिंग किया भाई, कि ताज कभी भी किसी के सर पे जा सकता है, बदलते रहेंगे, लेकिन लोग इस राजा को यानी कि इस बादशाह को ऑलवेज याद रखेंगे। हम कुछ म्यूजिक सीन में ऐसा बना रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं भाई, अंदाज़ा नहीं था कुछ ऐसा भी होने वाला है भाई। भाई एक्साइटेड हूँ मैं स्पेशली, तो मैं पहला ट्रैक जो जिसकी मेरे को लगता है वीडियो आने वाली है, करण औजला फीचरिंग बादशाह, उस गाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ठीक है, वो गाना पंजाब में बजेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे को पता है करण औजला फीचर्ड है तो पंजाब में बजेगा। मतलब ये एल्बम कुछ ऐसी डिज़ाइन करके रखी है कि भाई पूरे ग्लोब लेवल की चीज़ें हो जाएंगी भाई, अरिजीत सिंह की ऑडियंस भी सुनेगी, हर एक तरीके की ऑडियंस तक ये एल्बम पहुंचने वाली है भाई, हर एक तरीके की, अंडरग्राउंड से लेकर टॉप लेवल के आर्टिस्टों को फीचर कर दिया भाई बंदे ने, और शाहरुख खान से डब करवा ली। भाई साहब लेवल चेक कर रहे हो भाई, इसको लेवल बोलते हैं। और इसके बाद मेरे को लगता है सीन ख़त्म हो जाएगा भाई, खतरनाक क्रेजी भाई क्रेजी। एक बार बादशाह भाई के लिए क्लैपिंग करनी बनती है भाई, क्या ही बना दिया यार बंदे ने, क्या ही बना दिया, दिल खुश हो गया सच में देख के। और बाकी आपके क्या ओपिनियन है, 18 तारीख को एल्बम आ रही है, आप कितने एक्साइटेड हो एल्बम को लेके कमेंट करके बताओ। और 18 को मेरे को लगता है वीडियो भी आने वाली है करण औजला के साथ, सो मज़ा आएगा। मिलते हैं।